फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में मैं आपको जो गूगल पे के तरफ से क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करूँगा। जैसे इसका बेनिफिट्स हो गया, इसका एलिजिबिलिटी, कौन पर्सन इसके लिए एलिजिबल है, और इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी दूंगा इससे रिलेटेड। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्रेडिट कार्ड का जो नाम दिया गया है वो एसी क्रेडिट कार्ड है विथ अनलिमिटेड। इसमें कैशबैक भी दिया जाएगा, जैसे कि आप किसी रिचार्ज, फ़ोन रिचार्ज करते हैं या फिर बिल पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए अगर गूगल पे से करते हैं और इस कार्ड के थ्रू करते हैं तभी आप 5% कैशबैक के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उसमें 2 से लेकर 4% तक आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। और इसके बारे में दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर लिखा गया अनलिमिटेड कैशबैक और कॉम्प्लीमेंट्री लॉजेज एक्सेस, फ्यूल सरचार्ज, वेबियर, डाइनिंग डिलाइट, तो इस सब के बारे में भी आपको सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट में इसका जो बेनिफिट्स है उसकी ओर। तो जो बेनिफिट्स दिया गया है फ्रेंड्स, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि अब अगर आप बिग बास्केट या फिर ग्रोफर से अगर आप शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ चीज़ मंगवाते हैं तो उसके बदले आपको 5% तक कैशबैक मिलेगा, जो कि इसका जो वैलिडिटी दिया गया है वो 31 दिसंबर 2020 तक ही है। और इसके बारे में बता दूं कि ये जो है 5% तक आपको, जैसे मैं पहले बताया कि डीटीएच रिचार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज या फिर मोबाइल रिचार्ज करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू गूगल पे से, तो आपको उसमें 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कौन सा कैटेगरी में रिचार्ज करेंगे और कितना आपको कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैशबैक ऑन बिल पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, गैस हो गया और मोर हो गया, और डीटीएच रिचार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया थ्रू गूगल पे, तो आपको इसमें 5% का कैशबैक मिलेगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं बिग बास्केट या फिर ग्रोफर्स, तो उसमें आपको देखने को 5% ही कैशबैक मिलेगा। अगर आप स्विगी से खाना मंगवाते हो या फिर जोमेटो से या फिर ओला बुक करते हो तो उस केस में आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। और अदर मर्चेंट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें 2% तक कैशबैक मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे आप फ्यूल स्पेंड, ईएमआई ट्रांजैक्शन, परचेज, ईएमआई पोस्ट फैक्टो और वॉलेट लोडिंग ट्रांजैक्शन, जैसे आप पेटीएम में या फिर किसी वॉलेट में अगर पैसा लोड करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, कैशबैक शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग स्पेंड या ट्रांजैक्शन ऑन द कार्ड। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, फ्यूल स्पेंड या फिर ईएमआई ट्रांजैक्शन या फिर वॉलेट टू लोडिंग ट्रांजैक्शन या फिर परचेज कन्वर्टेड टू ईएमआई पोस्ट फैक्टो या फिर कैश एडवांस या फिर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर, तो ये सब पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर इसके अलावा आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसका एलिजिबिलिटी की ओर। तो चेक योर एलिजिबिलिटी पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैं जैसा कि बता दूं कि इसके लिए एलिजिबल वो पर्सन है जो जिसके पास ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड हो और जिसका जो ईयर्स है वो 18 से अबव होना चाहिए और 70 से बिलो होना चाहिए। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी वो पर्सन है जो इंडिया में रहता हो। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपका पैन कार्ड, फोटोकॉपी, फिर कलर फोटोग्राफ, फिर लेटेस्ट प्लेसिप या फिर बैंक स्टेटमेंट या फिर फॉर्म 60 या फिर आईटी रिटर्न कॉपी एज प्रूफ ऑफ इनकम या फिर रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक ठो आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। तो आपको मैं अब फीस एंड चार्ज
तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यह फीस एंड चार्ज की ओर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर फीस जो चार्ज ज्वाइनिंग फीस लिया जा रहा है वो है आपको 499। और आपको फ्रेंड्स मैं भी ये भी बता दूँ कि मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि आपको इस कार्ड के लिए ज्वाइनिंग फ़ी जो है वो 499 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप ये 499 रुपीज़ नहीं दे सकते हैं तो इसमें एक कंडीशन रहेगा जो कि आपको फुलफिल करना होगा। वो कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं आप, ज्वाइनिंग फी रिवर्स अपन स्पेंड ऑफ RS 10,000 विद इन 45 डेज ऑफ कार्ड इंश्योरेंस। जब ये कार्ड आप इशू करवाते हैं उसके 45 डेज के अंदर आपको इस कार्ड के थ्रू 10,000 का ट्रांजेक्शन कहीं पर स्पेंड करना होगा, तभी आप इस ज्वाइनिंग फ़ी को नहीं दे पाएंगे, मतलब कि नहीं दे सकते हैं, देने का ज़रूरत नहीं रहेगा। और अगर सेकेंड ईयर से आपको फिर से 499 रुपीज लगेगा। और इससे भी अगर बचना चाहते हैं आप तो आपको हर एक पर ईयर आपको एनुअली आपको 2 लाख तक आपको इस कार्ड से स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप इसका एनुअल फ़ी नहीं देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो एड ऑन कार्ड और फिर ज्वाइनिंग एंड एनुअल फ़ी नील रखा गया है, और कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी ये भी आपको नहीं लिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। और कार्ड पेमेंट फ़ी आपको 100 रुपीज लिया जाएगा, डुप्लीकेट स्टेटमेंट फ़ी ये भी माफ़ किया जाएगा, और आउटस्टैंडिंग चेकबुक ये भी माफ़ किया जाएगा, और फिर मोबाइल अलर्ट फॉर ट्रांजेक्शन ये भी आपको फ्री में मिलेगा। जैसे इस कार्ड से अगर क्रेडिट कार्ड से अगर आप कहीं पर शॉपिंग करते हो तो उसके लिए आपको मोबाइल अलर्ट जैसे OTP ये सब आते हैं तो उसका आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बैलेंस इंक्वायरी चार्ज के बारे में बात करें तो ये भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फाइनेंस चार्ज जो है आपको 3.4% पर मंथ देना पड़ेगा, और पर एनम के अकॉर्डिंग आपको 49.36% लगेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूँ कि कैश विथड्रॉल जो फी रखा गया इसका वो 2.5% आपको देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ओवर लिमिट पेनाल्टी भी रखा गया है जो कि आपको 3% देना पड़ेगा, मिनिमम आपको 500 देना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको सर चार्ज इस कार्ड में रखा गया है, और यहाँ पर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी आपको 3.5% आपको ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा चार्ज। फ्रेंड्स अब इसका जो मैं आ गया हूँ इसका लास्ट जो है वैल्यू कार्ड, उस पर आपको मैं ये बताने का कोशिश करूँगा जो कि आपको एनुअली अगर इस कार्ड से आप एनुअली स्पेंड करते हैं तो उसमें आपको कितना तक कैशबैक मिलेगा वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर रिचार्ज ऑन गूगल पे आपको अगर एनुअली 30,000 स्पेंड करते हैं तो आपको वहाँ पर 1500 का कैशबैक मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं स्विगी या फिर जोमेटो से, अगर आप एनुअली 36,000 मतलब 36,000 तक अगर आप एनुअली खर्च करते हैं तो आपको 1440 रुपया तक कैशबैक मिलेगा। जो कि राइड शेयरिंग जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, तो उसमें अगर आप एनुअली 24,000 तक स्पेंड करते हैं इस कार्ड के थ्रू तो वहाँ पर आपको 960 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। अदर स्पेंड जैसे आप 66,000 तक किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर स्पेंड करते हैं तो वहाँ पर आपको 1320 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पर लॉयल विजिट का कोई कैशबैक नहीं दिया देखा गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्यूल स्पेंड की बात करें तो यहाँ पर आप अगर एनुअली अगर इस कार्ड से आप फ्यूल स्पेंड जैसे आप किसी अगर आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं वहाँ पर आप अगर एनुअली 24,000 तक इस कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हैं तो वहाँ पर कोई भी आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर टोटल एनुअली स्पेंड के बारे में बात करें तो अगर आप टोटल इस कार्ड से एनुअली स्पेंड करते हैं 2,04,000 तो आपको 5,700 का कैशबैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ। अगर कुछ भी इस डेबिट कार्ड के बारे रिगार्डिंग पूछना होगा हमसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।